नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी कल कहाँ पर काम कर सकती है अगर कल की बात करें मैं कल वीडियो नहीं बना पा पाया आप सबके लिए लेकिन आप देख सकते हैं एक अधिक बहुत बुरी एक्सपायरी रही है। हमारा भी हमने डे क्लोज़ किया ट्वेंटी रुपीज़ एस के साथ छोटा सा एस हिट हुआ क्योंकि मुझे अंदाज़ा थोड़ा आ गया था कि अभी मार्केट साइड में या इन रेंज में रह सकता है ठीक है अब देख सकते हैं आज पूरा का पूरा दिन एक रेंज में आई और धीरे धीरे से लो बना के नीचे आई ठीक है अगर कल की बात हम करें तो बैंक निफ्टी अगर ये लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए क्या अगर ये ट्रेड लाइन ऊपर की ओर ब्रेक होती है और पंद्रह मिनट की कैंडल ऊपर की क्लोज देती है तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा हालांकि छोटा टारगेट हाँ अगर एक दो ढाई घंटे यहाँ तक बिता के अगर इसको ब्रेक करती है यहाँ से तो हमें अच्छा खासा ये टारगेट भी मिल सकता है नीचे की ओर बात करूँ तो पर्सनली मैं ये जो मेरा लेवल है मैंने दो तीन दिन पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ था जस्ट अ सेकंड मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ अब देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने दो बार सपोर्ट लिया हुआ था एक ग्यारह तारीख को और एक बारह तारीख को यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया हुआ था तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मैं इसके नीचे ही मैं कोई भी डाउन साइड मूव बैंक निफ्टी में प्रिफ़र करूंगा क्योंकि आप देख सकते हैं अगर यहाँ ये लो ब्रेक होने के बाद हम पुट लेते हैं तो ये 42,200 एक अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पर और यहाँ पर भी ये एक सपोर्ट पूरा का पूरा जोन है अगर इसको ब्रेक करते हैं मैं पर जो कल जिसको पुट में ट्रेड चाहिए चाहिए कल अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो कोई ट्रेड छोड़ना नहीं चाहता तो आप फोर्टी टू थाउजेंड वन वन एट फोर्टी वन माफ कीजिएगा फोर्टी टू थाउजेंड वन एटी को अगर ब्रेक करता है नीचे की ओर तो हमें यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं लेकिन आप एक बात याद रखना यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये देखो फोर्टी टू तक का एक सपोर्ट है और एक राउंड लेवल है यहाँ पे देखो यहाँ पे यह देखो यहाँ पे ब्रेक किया सस्टेन नहीं रहा और ऊपर अगर फोर्टी टू ब्रेक करता है तो हमें 41,900 और यहाँ तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते लेकिन मैं कल की ये ट्रेड आ, मैं पर्सनली नहीं लूँगा क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है अगर मार्केट चली जाती है ये पॉइंट में जाने देने के लिए तैयार हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर यहाँ से कितने पॉइंट है अगर हम बात करें जस्ट अ सेकेंड यहाँ से हम बात करें तो 300 सौ पॉइंट तीन सौ पॉइंट चली जाएगी कोई मालूम नहीं अगर यहाँ से और गिरी तो मैं वो 300 सौ पॉइंट में कवर कर लूँगा क्या है कभी कभी मार्केट को कोई लेवल या कोई जोन छोड़ने में हमारी अच्छा होती है क्योंकि दे आप दे मान लीजिए अगर ये ब्रेक करती है ये लेवल बैंक निफ्टी कल ब्रेक करती है और यहाँ पे कंसोलिडेशन किया तो हमारा वैसे भी प्रीमियम डी के होगा कल फ्राइडे है और प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा रहता है तो ये हमारा प्रीमियम डी के होगा और हमें अच्छा खासा गेन भी नहीं मिलेगा ठीक है इसलिए मैं टोटली अवॉइड करूँगा अगर कल मार्केट गिरती है तो मेरी तरफ से एक भी ट्रेड आएगी नहीं ठीक है अरे चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की निफ्टी ने भी आप एक छोटी सी रेंज में काम किया है ठीक है अगर निफ्टी की बात करें तो अगर ऊपर की ओर एटी थाउजेंड वन एटी टू को ब्रेक करती है तो मैं एटी थाउजेंड टू सिक्सटी सिक्स के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं हालांकि छोटे टारगेट है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये यह सपोर्ट है पूरी तरह से माफ़ कीजिएगा रजिस्टेंस है तो यहाँ से थोड़ा मार्केट मुझे लगता है कि थोड़ा रजिस्टेंस फेस कर अगर इसको ब्रेक करती है तो हम पीव पॉइंट के हिसाब से हम अपना टारगेट के लिए दूसरा टारगेट हम अपना डिसाइड कर सकते हैं लेकिन नीचे की ओर बात करें तो मैं नीचे की ओर एटी थाउजेंड अगर बैक करता है मार्केट तो ही मैं अब ट्रेड प्रिफर करूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट है ये जो अठारह तारीख का जो लो है वहाँ पर भी एक सपोर्ट है जस्ट अ सेकेंड पंद्रह मिनट में ले चलता हूँ मैं आपको देखिए यहाँ पर भी ये एक सपोर्ट है जस्ट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक सपोर्ट है ठीक है तो यहाँ से भी थोड़ा सपोर्ट ले सकती है यहाँ से भी इसलिए अगर 80,000 ब्रेक होता है तो हमें सेवनटी थाउजेंड को टारगेट मिल रहा है हालाँकि छोटा टारगेट है ये अगर इसको भी ब्रेक करता है आपने देख सकते सेवेंटी थाउजेंड को यहाँ से पुल बैग लेके मार्केट ने कंटिन्यू किया था अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें यहाँ तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं और एक बात निफ्टी में मैं आपको वन डे के चार्ट पे ले जाऊँगा जस्ट अ सेकंड आप देखें कि निफ्टी कई दिनों से अपना जो प्रीवियस लो है उसे ब्रेक नहीं कर रही आज भी नहीं किया परसों भी नहीं किया था फिर यहाँ भी नहीं किया यहाँ भी नहीं यहाँ से कंटिन्यू आप देख सकते हैं कंटिन्यू निफ्टी एक अच्छे खासे ट्रेंड में है अगर इसको भी ब्रेक कर देती है इसको भी तो हमें अच्छा खासा ऊपर की ओर टारगेट देखने को निफ्टी में मिल जा मिल सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं लो को ब्रेक ही नहीं कर रही है निफ्टी कंटिन्यू थोड़े थोड़े ऊपर जा हालांकि आज निफ्टी ने हाई भी ब्रेक नहीं किया और लो भी ब्रेक नहीं किया एक कंसोल एक कंसोलिडेशन रेंज में रही है इसलिए मैं प्रीफर करूँगा अगर लो ब्रेक होता है एट, कल का यानी मंडे का लो ब्रेक होता है माफ कीजिएगा वेनेसडे का लो ब्रेक होता है तो एटी थाउजेंड एक सपोर्ट है तो ये सपोर्ट जोन रहेगी हमारी अगर इसको ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमें यहां पर देखने को मिल सकता है जस्ट अ तो सेकंड ठीक है अब यहाँ मैं एक अच्छी खासी तरह से मैं आपको दिखा दूंगा अगर ये लो ब्रेक होता है तो ये पूरा का पूरा एक जोन है सपोर्ट जोन ठीक है अगर इसको ब्रेक करती है बैंक निफ्टी एट्टी को तो हमें सेवेंटी थाउजेंड के टारगेट मिल सकते हैं अगर इसको ब्रेक करती है तो हमें यहाँ तक सेवेंटी तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं ठीक है थैंक थीक यू दोस्तों थैंक यू सो मच अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू थैंक यू सो मच